बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो हैं बारबेक्यू करने जा रहे हैं ओवर टू द माउंटेन्स, लेकिन इससे पहले ज़रा पास में चलते हैं और चिकन को करते हैं मैरिनेट। जी, मैंने लिया है चिकन लेग पीसेस जो टिक्का पीस करते हैं वो वाले, और ये 1 kg का वज़न है इसका। और इसमें इस तरीके से आपने कट्स लगा लेने हैं और कांटे से भी अच्छी तरीके से प्रिक कर लेना है इसको। तो उससे क्या होगा कि मैरिनेट अच्छा सा अंदर रच बस जाएगा और गलेगा भी बहुत अच्छा चिकन और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। मैरिनेट में इसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप दही, 1/2 कप लिया है नींबू का रस, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन, 1 टीस्पून काले मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसी हुई कुटी लाल मिर्च, और तकरीबन 1 टीस्पून पिसा ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा सूखा धनिया और 2.5 टीस्पून चाट मसाला, और 1/4 टीस्पून तकरीबन लिया नमक। अब इस चीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी है ये टिक्का की। चिकन रोस्ट बनाएं, इसे टिक्के बनाएं, बारबेक्यू करें, जो मर्ज़ी करें, बहुत मज़े का बनता है। तो इससे करेंगे हम चिकन को मैरिनेट अच्छी तरह। सारे जो कट्स लगाए हैं आपने उसके अंदर अच्छा सा मसाला जाना चाहिए। उसके बाद आप इसको लगा के बेस्ट है कि ओवरनाइट रख दें। अगर टाइम नहीं है इतना तो 5 से 6 घंटे भी काफ़ी हैं, लेकिन बेस्ट होता है कि एक दिन पहले, स्पेशली अगर आपने बारबेक्यू करना है तो एक दिन पहले मैरिनेट कर दें तो चिकन थोड़ा नरम हो जाता है, बारबेक्यू भी अच्छा हो जाता है। ठीक है जी, हो गया रेडी हमारा। अब मैं आ गई हूँ चटनी की तरफ। चटनी की इंशाल्लाह रमज़ान की जो वीडियो आ रही है उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। ये वाली चटनी बहुत अच्छी बनती है। इसमें जा रहा है लहसुन है, हरी मिर्च हैं, गोल लाल मिर्च है, काला नमक है, प्याज है, ज़ीरा है, इमली का पल्प है और धनिया पुदीना है। इनको हम कर लेंगे ब्लेंड और ये बारबेक्यू के साथ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मेरे पास बोनलेस चिकन भी था तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसको मैरिनेट कर लेते हैं। ये बस मैंने खुद ही से सोचा, थोड़ी दही ले ली, थोड़ी सी क्रीम ले ली और जो अभी मैंने चटनी बनाई है उसको मैंने डाल दिया इसमें। फिर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला, चख लिया मैंने, जो चीज़ कम लगी और डाल दी, नींबू का रस डाल दिया, चटनी थोड़ी और डाल दी, नमक डाल दिया, कुटी लाल मिर्च डाल दी। बेसिकली बस चखती गई और उसको इम्प्रोवाइज़ करती गई। ठीक है, ये मैंने इसमें जो हैं चिकन के क्यूब्स डाल दिए हैं। ये भी मैंने मैरिनेट करके एक रात पहले रख लिया था। तो अब हम चलते हैं ज़रा हिल्स की तरफ और हम करते हैं बारबेक्यू। लेकिन इस बारबेक्यू में है एक ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये है कि जब हम वहाँ पहुँचे और हमने ट्रंक में से सामान निकालना शुरू किया तो हमें पता चला कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि थी ग्रिल, वो हम घर भूल चुके हैं। सो इस टाइम पे कोऑर्डिनेशन हो रही है कि शायद घर के बाहर रख दी हो, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि रूहान लेके निकला है। मेरी आंखों के सामने उसने पकड़ के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, तो क्योंकि बाहर रह गई है तो कोई हमें दे जाए, लेकिन घर के बाहर नहीं थी। हुआ ये था कि रूहान को लेके निकला है तो शाह ने उसको वापस भेज दिया कि मेरा मास्क ले आओ। उसके अंदर उसने ग्रिल नीचे रखी, अपना बाबा का मास्क उतारा और मास्क लेके वो बाहर आ गया और ग्रिल अंदर रह गई। ये हुआ था। अब हुआ ये है कि हमारा ये लड़का है जिसने हमारा प्लान खराब किया, ग्रिल घर छोड़ के आ गए। देखा है, ये कंफर्म कर रहा था कि मामा सच में वीडियो बना रही है। तो जी ये हुआ। अब हमने सोचा कि हम क्या करें, हम वापस चलते हैं, कोई बात नहीं, बस लॉन्ग ड्राइव होगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन माय हस्बैंड हैज़ मैनी टैलेंट्स माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। सो कोयले थे हमारे पास, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ थी हमारे पास, बस ग्रिल नहीं थी। सो हमने क्या किया, हमने व्यू इन्जॉय किया और मियाँ ने मेहनत की। अब हमारे पास चीज़ें तो सब थी, तो हमने करना क्या था, हमने बेसिकली बनानी थी कंघी थी। तो पत्थर कुछ पड़े हुए थे, कुछ को पत्थरों को और मिलाया साथ और वहाँ कोयले डाले और उन पर डाली सूखी लकड़ियाँ, और पेट्रोल भी था तो पेट्रोल डाल के आग लगाई। उससे ये हुआ कि आग लगी शुक्र है और कोयले सुलग गए। फिर मसला था सीखों का, तो इन्होंने स्टार में बच्चों ने शाखें तोड़ी थोड़ी सी, उनको आगे से नोकीला किया चाकू की मदद से और सीखें बना ली। अब लेकिन क्योंकि ये लकड़ी थी और थोड़ी नरम भी थी तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि टिक्का भारी होता है, गिर ना जाए, लेकिन बहाल हो गया। तो काम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमारा काम इससे हो गया था। और टिक्के, ये जो टिक्के थे इन्होंने थोड़ा सा तंग किया था, थोड़ा देर से हुए, लेकिन बोनलेस चिकन तो ज़बरदस्त और बेहतरीन हो गया था, था भी बहुत मज़े का। हाथ में मिल गई रिहान रूहान को एक स्टिक और उनका जो अर्तुरल फीवर था ना, वो सारा उमड़ के बाहर आ गया। और आजकल तो हर किसी को ही चढ़ा हुआ है ना अर्तुरल फीवर।
जी दिक्का हो रहा है तैयार आहिस्ता आहिस्ता, और बच्चे कह रहे थे इंजॉय, और अदीना को था कि मुझे बस उतार दें, लेकिन यहाँ पे था कि वो एरिया ऐसा था, ऊपर एक सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर थी जगह बनी हुई और वहाँ पे बाउंड्री नहीं थी, तो अदीना को स्ट्रॉलर में कैद किया हुआ था बहुत मुश्किलों से, और बाकी बच्चे बस इंजॉय कर रहे थे, रेहान और तरगत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अजीम मोबाइल इंजॉय कर रही है, और हम यहाँ टिक्के बना रहे हैं। ये जी क्लोजर व्यू ज़रा कि हाउ टू मेक अ सीख व्हेन यू लेफ्ट योर बारबेक्यू ग्रिल एट होम। सो जो इंटरेस्टेड हैं वो देख लें, इस तरीके से आप सीख बना के अपना डे बना सकते हैं। अगर आप ग्रिल घर भूल आए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप बारबेक्यू कर सकते हैं बड़े आराम से। बहरहाल ये था कि बच्चों ने इन्जॉय बहुत किया, उन्होंने सीखा एक नई चीज़ कि अगर आपके पास कुछ नहीं है आप किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। सो बड़ा अच्छा सा, बड़ा ही एडवेंचरस हमारा ट्रिप रहा, और बच्चों ने इन्जॉय किया बहुत ज़्यादा, नई चीज़ उनको सीखने में मिली, और अदीना ने भी बहुत इन्जॉय किया। ये अदीना मुसलसल थी कि या तो मुझे गोद में उठा लें या मुझे मोबाइल दे दें। बच्चों का तो दिन बन गया, उनकी तो ईद होगी क्योंकि उनको एलवेट नज़र आ गया था, और इदीना के जो है ना, हम लोग ग्रिल के साथ साथ इदीना का सिपी कप भी घर भूल गए थे, सो उसको लगी हुई थी प्यास, और ये ऐसे प्यार पानी पी रही है जैसे ना सारा ही सारी की सारी मेहनत इसने की है, ग्रिल भी इसने बनाई है, बारबेक्यू की जो अंगीठी है और शाखें भी इसने काट के तो इसने सीखे बनाई गर्मी हो गई थी, धूप निकल आई थी तो बेचारी को प्यास लग रही थी। तो जी हमारे तिक्के हो रहे हैं तैयार, और बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ना जो चिकन था ना ये गल नहीं रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है हीट कहीं से मिल रही थी, कहीं से ज़्यादा मिल रही थी, कहीं से कम मिल रही थी, जो बोनलेस था वो तो माशाल्लाह जल्दी हो गया था, तो बोनलेस तो हमने सारा बना लिया था, और चिकन तिक्के के हमने दो तिक्के बनाए और दो हमने घर आके बनाए, फ्राई किए बेसिकली, क्योंकि उसके बाद हिम्मत नहीं थी कि घर आके अब दोबारा से ग्रिल में कोयले डालें और उसको फिर दोबारा से बारबेक्यू करें, तो मैंने फ्राई कर लिया था और साथ में मैंने पास्ता बना लिया था, तो हमारा रात का खाना भी हो गया था। सो एक अच्छा ट्रिप था, मज़े का था, नेचर के करीब था, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो ये जी हमारे तिक्के तैयार हो गए हैं और बड़े मज़े के हैं, साथ में इनकी चटनी है, ये चटनी भी इंशाल्लाह रमज़ान की वीडियो आएगी उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, सिर्फ चटनी का बहुत मज़े की लगती है हर चीज़ के साथ भी, पकौड़ों के साथ भी और बारबेक्यू के साथ भी, दाल चावल के साथ। कैसे? बहुत मज़े का। कैसे? बहुत मज़ेगा। जी तिक्का हमने बिल्कुल खा लिया है और बहुत मज़े का है, लेकिन अभी आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हमें आपको किसी से मिलवाना है अब कोई किसी है हमारी ग्रिल जो कि घर पे हमारा इंतज़ार करी है, तो जी मोमेंट ऑफ ट्रूथ देखें तो ग्रिल है किधर, तो एज एक्सपेक्टेड जैसे मैंने सोचा था कि रूहान ने वहाँ रखी है मास्क उतारते हुए, तो ये जी ग्रिल पड़ी है हमारी जो हमारा वेट करी थी। सो इट वॉज़ अ गुड डे, और अगर आपने इंजॉय किया हमारे साथ हमारे ये दिन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।